साइकिल मोटर्स पे आया हुआ था यार, कस्टमर्स का रश लगा हुआ है, इतनी बड़ी वैरायटी है। आज कोई डेमो बनाना चाह रहा हूँ, किस चीज़ का बनाऊँ डेमो इतनी बड़ी वैरायटी में। ये मैक्सिमस का इंजन डीग्रीजर, एडवांस फार्मूला वाला, इसका डेमो बनाते हैं, ये दिखाते हैं। अब हमें कोई गंदा सा इंजन चाहिए, इंजन दे दो भाई गंदा सा, ये आ गया। अब ये देख सकते हैं इसकी हालत, ये अभी इंजन इतना गंदा हुआ हुआ है कि इसको सफाई की शदीद ज़रूरत है। और मैक्सिमस का इंजन डिग्रीज़र है जो कि अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और आपको दिखाएंगे बिफ़ोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट। अब इसको इजीली हम स्प्रे ऑन करेंगे पूरे इंजन के ऊपर, जहां जहां ये डस्ट है। अभी हम सिर्फ इस पार्ट को, इंजन के पार्ट को करेंगे, बाकी चीज़ों को हम बाद में आपको दिखाएँगे। अब इसको क्लीन करने के लिए अब हमें ब्रश चाहिए होगा, ज़ाहरी बात है कि वो कुछ अनरीचेबल एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रशेस की इतनी बड़ी रेंज है साइकिल मोटर्स डॉट पीकी के पास। आपको छोटा बड़ा ब्रश इंटीरियर के लिए, एक्सटीरियर के लिए, हर पर्पज़ के लिए जो ब्रशेस बने हुए हैं वो आपको मिल जाते हैं। अब हम पूरे इंजन को एक बार ब्रश कर देंगे ताकि जो इंजन डिग्रीज़र है वो पूरी तरह से अपना काम करके दिखाए और सारी डस्ट जो कि मेल्ट होकर उतरना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसे साफ़ करेंगे, जो ऊपर है जितनी भी ये फोम आपका जमा हुआ है, मट्टी सारी अब इससे उतरना शुरू हो जाएगी। ये देखें गाड़ी की ऐसी लुक बन गई है इंजन की, जैसे ये वेट लुक आ रही है। अब ये इंजन डिग्रीज़र का कमाल है मैक्सिमस के। अभी इसको थोड़ा सा ड्राई आउट होने देंगे, उसके बाद भी आपको दिखाते हैं। अब ये थोड़ा सा ड्राई हुआ है, अब आप देखें कि जो एरियाज जितने भी गंदे थे वो सारे साफ़ हो चुके हैं। इनफैक्ट ये देखें, ये एरिया कितना ज़्यादा मट्टी थी, इसके ऊपर रस्ट सा लगा हुआ था। ये एंटी रस्ट नहीं है, बट ये इंजन डिग्रीज़र है। अब ये बाकी एरिया भी करेंगे हम और आपको दिखाएंगे रिजल्ट्स इसके। तो है ना फिर ज़बरदस्त प्रोडक्ट, तो आज ही अपना ऑर्डर प्लेस करें मैक्सिमस का इंजन डिग्रीज़र। बिफोर एंड आफ्टर इस तरह था, बिफोर एंड आफ्टर। और स्पेस करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें, साइकिल मोटर्स डॉट पीके। अल्लाह हाफिज़।